हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं चंडीगढ़ के करंट अफेयर कवर करूंगा। इसमें मैं 1 जनवरी 2017 से 15 दिसंबर 2017 यानी लगभग पूरा साल के करंट अफेयर कवर करूंगा हिंदी भाषा में। जो आने वाले पेपर हैं, जैसे चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म निकला हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, चंडीगढ़ में टीचर की भर्ती या चंडीगढ़ के कोई भी लोकल एग्जाम है, उनमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के जो फॉर्म निकलते हैं, जैसे अभी एचटेट का एग्जाम है 7 दिन बाद, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये चंडीगढ़ के करंट अफेयर हरियाणा और पंजाब के सारे एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। एसएससी, बैंक पीओ, यूपीएससी और अन्य एग्जाम जैसे DSSSB वगैरह के लिए हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं। अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 4 दिसंबर की। अभी 4 दिसंबर गया है पीछे, 4 दिसंबर 2017। इस दिन क्या खास था? देखिए, चंडीगढ़ शहर को बसाने का श्रेय जाता है ले कॉर्बूसिए को। ले कॉर्बूसिए जो थे, ये फ्रांस के शिल्पकार, ये आर्किटेक्ट थे और इन्होंने चंडीगढ़ को बसाया। लेकिन ले कॉर्बूसिए, इनका कज़न था पियरे जीनरेट। तो पियरे जीनरेट जो थे, ये इनका कज़न था और ये भी फ्रांस के थे, पियरे जीनरेट। इनकी डेथ हुई थी 4 दिसंबर 1967 को। तो इनको मरे हुए 50 साल हो गए, यानी इनका जो 50वां डेथ एनिवर्सरी था वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ने मनाया, क्योंकि चंडीगढ़ को बसाने में ले कॉर्बूसिए की टीम में बहुत बड़ा हाथ था पियरे जीनरेट का। चंडीगढ़ में पहला TISC, भारत का पहला टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, उसका उद्घाटन हुआ। यह बना है पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत का पहला TISC सेंटर बना है चंडीगढ़ के अंदर। और ये इसको श्रेय जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा। इनफैक्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हेड हैं, मिस्टर एंड्रयू कजालकोवस्की, ये अभी इंडिया आए थे, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। चंडीगढ़ के 2 खिलाड़ी हैं जो ICC वर्ल्ड कप U19 जो न्यूजीलैंड में खेला जाएगा 2018 जनवरी में, उसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो U19 वर्ल्ड कप 2018 की टीम में 2 खिलाड़ी हैं चंडीगढ़ के जो सिलेक्ट हो गए हैं। एक का नाम है शुभम गिल और दूसरे का नाम है अर्शदीप सिंह। एक और चंडीगढ़ की खबर है स्पोर्ट्स से। भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, बात हो रही है यहां पे गोल्फ की, गोल्फ जो खेल होता है। तो एक टूर्नामेंट हुआ था अभी, जिसका नाम है जोबर्ग ओपन। ये यूरोप के अंदर हुआ था, यानी इसे हम बोलते हैं यूरोपियन टूर। तो इसमें चंडीगढ़ का एक खिलाड़ी है पंचकुला का, जिसका नाम है शुभांकर शर्मा, इसने इसको जीत लिया जाबोर्ग ओपन को, और यह सिर्फ 5वां भारतीय बना है जिसने कोई भी यूरोपियन टूर का टाइटल जीता है, और यह सबसे कम उम्र का भारत का खिलाड़ी बना है जिसने ये टाइटल जीता है। इसकी उम्र है सिर्फ 21 साल और 4 महीने। बात हो रही है गोल्फ की, तो खिलाड़ी का नाम याद रखिए, शुभांकर शर्मा। चंडीगढ़ साहित्य त्योहार यानी चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल अभी मनाया गया, और यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये हुआ लेक क्लब में नवंबर 25 से नवंबर 26, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला। याद रखिए, चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल ये 5वीं बार हुआ है इस साल 2017 के अंदर, लेकिन इस बार खास ये था कि इन्होंने पहली बार एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, और ये अवार्ड मिला रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड को, जिनका भारत के साहित्य में काफ़ी बड़ा योगदान है, रस्किन बॉन्ड, और इन्हें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो पार्टनर कंट्री था इस त्यौहार का, वो था कनाडा, यानी कनाडा और चंडीगढ़ ने मिलकर इसको आयोजित किया था, और कनाडा से 2 मशहूर कवि आए थे यहां पे। एक का नाम है ली मराकल और दूसरे का नाम है कोलुम्पा बोब। चंडीगढ़ का एक व्यक्ति है राजीव कुमार, इसने दुनिया की सबसे लंबी साइकिल बनाई है, आप इसे यहां पे फोटो में देख सकते हैं, और अब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोशिश करेगा कि इसका नाम आ जाए। ये साइकिल जो है, ये लगभग 8 फीट और 6 इंच की है, और इसको अगर आप खोलेंगे तो 10 फीट और 2 इंच तक इसको खोला जा सकता है। तो ये भारत की नहीं, दुनिया की सबसे लंबी साइकिल बनाई है, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो ऑलरेडी नाम इसका चढ़ गया है। इसका नाम है राजीव कुमार। जो मेल होते हैं वो लिखते हैं मिस्टर, और जो फीमेल होती हैं वो लिखती हैं मिसेज। तो चंडीगढ़ में जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिन्हें हम हिजड़ा या खुसरा समाज बोलते हैं, सुखदुआ समाज भी कई लोग बोलते हैं इन्हें, ट्रांसजेंडर, तो
तो जो ट्रांसजेंडर है इनके लिए लिखा जाएगा चंडीगढ़ में MX। तो चंडीगढ़ ने ये अलग तरीका निकाला है जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको लिखने का, इनको MX लिख के संबोधित किया जाएगा। अभी अपने नाम के आगे लिखेंगे MX। चंडीगढ़ एस्टेब्लिशमेंट डे हम मनाते हैं 1 नवंबर को। इस दिन मनाया जाता है चंडीगढ़ एस्टेब्लिशमेंट डे, और इस उपलक्ष में चंडीगढ़ के लेजर वैली पार्क में एक चंडीगढ़ की जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी प्रदर्शनी आयोजित की गई, यानी विंटेज कार रैली आयोजित की गई चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ एस्टेब्लिशमेंट डे के उपलक्ष में। तो यहाँ पे कई पुरानी गाड़ियां दिखाई गई, जैसे जो पुराना, जैसे 30 साल पुराना स्वराज ट्रैक्टर है सरताज 720, ये 1978 का ट्रैक्टर है, ये दिखाया गया। तो पुराने ट्रैक्टर, पुरानी गाड़ियां यहाँ पे दिखाई गई। चंडीगढ़ में अगर आप पानी को वेस्ट करेंगे, पानी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको 2000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ के और पंजाब के बहुत सारे एरिया, जैसे पंचकुला है, जैसे मोहाली है, यहाँ पे पानी की बहुत भारी किल्लत हो गई है। इसीलिए अब ये डिसाइड हुआ है कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, यहाँ पे अगर पानी वेस्ट होगा, जैसे गाड़ी धो रहा है अगर कोई सुबह सुबह, या अपने पौधों को पानी दे रहा है जरूरत से ज्यादा, तो उस पर 2000 रुपये का फाइन उसे भरना पड़ेगा। चंडीगढ़ ने एक त्योहार मनाया जिसका नाम है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट। देखिए, एक हमारा अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं डोनर, DONER, यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उनका भी विकास होना चाहिए इसके लिए, और वहां पे इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। तो चंडीगढ़ के अंदर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट त्योहार मनाया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन DONER ने, और इसके लिए हमारे जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, 7 राज्य हैं, इन्हें 7 सिस्टर 7 बहनें भी कहा जाता है, और ये भारत का 8% एरिया कवर करते हैं और 4% भारत की जनसंख्या रहती है इनके अंदर। यहां पर इनके विकास के लिए 3H का एक फार्मूला दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये 3H है, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम। चंडीगढ़ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो चंडीगढ़ में 2.5 लाख घरों को 5 लाख डस्टबिन देगी, यानी हर घर को 2 डस्टबिन दिए जाएंगे, और ये 2 डस्टबिन होंगे, एक होगा ग्रीन कलर का और एक होगा ब्लू कलर का। अगर आपके पॉलिथीन बैग वगैरह हैं तो वो आप उसे ब्लू कलर में डाल सकते हैं, यानी जो सूखा कचरा है वो ब्लू कलर वाले में आएगा, और ग्रीन वाले में आएगा जो आपका गीला कचरा है। गीला कचरे से मतलब होता है जैसे आपके फल सब्जियां हैं, उनके छिलके हैं, इस तरह का किचन वेस्ट जिसे बोलते हैं, वो आएगा ग्रीन कलर के डस्टबिन में, और ब्लू कलर वाले में आएगा ड्राई गार्बेज। तो ये 2 डस्टबिन चंडीगढ़ में 2.5 लाख परिवारों को बांटे जाएंगे चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। इसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और ये अलग अलग क्यों? क्योंकि जो वेस्ट होता है हमारे घर का, अलग अगर हम उसे अलग अलग करें गीले और सूखे वाले को, तो उससे हम वेस्ट मैनेजमेंट काफी अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। स्वच्छ सर्वेक्षण ये बताता है कि भारत में कौन सा शहर कितना साफ सुथरा है, और भारत का स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किया गया 2017 का। भारत का सबसे गंदा शहर है गोंडा, गोंडा है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा सबसे गंदा शहर है भारत का भूसावल, भूसावल है महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं सबसे साफ सुथरा, तो सबसे साफ सुथरा है इंदौर। इसमें भारत के 434 शहरों का विश्लेषण किया गया, सर्वेक्षण किया गया, तो सबसे साफ सुथरा है मध्य प्रदेश का इंदौर। दूसरे नंबर पे है भोपाल, ये भी है मध्य प्रदेश का। तीसरे नंबर पे विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश का। लेकिन याद रखिए, विशाखापट्टनम भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है, लेकिन विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है। अब चंडीगढ़ 434 में कहां पे था? क्या चंडीगढ़ बहुत साफ है या बहुत गंदा है? चंडीगढ़ भारत का 11वां सबसे साफ सुथरा शहर है, तो इसका जो स्थान है वो है 11वां, याद रखिए। तो ये काफी अच्छी बात है, और अब देखना होगा कि चंडीगढ़ क्या रैंकिंग में और ऊपर जा पाता है या नहीं। अब आप ये भी जानते हैं कि चंडीगढ़ को एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। क्या स्मार्ट सिटी बनाने में भारत की जो सरकार है उसका एक्सपीरियंस है कोई? नहीं, क्योंकि भारत के अंदर स्मार्ट सिटीज होते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हमें विदेशी जो कंपनी है, जो विदेशी कंट्री है, उनकी हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो चंडीगढ़ को कौन बना रहा है स्मार्ट सिटी? चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएगा फ्रांस। भारत में 3 शहर हैं, मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। PNC, पी से हो गया पौंडेचेरी, एन से नागपुर और सी से चंडीगढ़, इनको बनाएगा स्मार्ट सिटी फ्रांस। और एक फार्मूला है KBC, कौन बनेगा करोड़पति? KBC, KBC का मतलब है, K से है कोची, B से है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, और C से है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और कोची है केरल में, नागपुर महाराष्ट्र में। तो KBC जो है इन्हें बनाएगा स्मार्ट सिटी जर्मनी।
इसके अलावा चाइना पुणे को स्मार्ट सिटी बनाएगा, चाइना पुणे को अपने जिन्हुआ शहर जैसा बनाएगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और अजमेर राजस्थान में, इनको बनाएगा स्मार्ट सिटी अमेरिका। जापान बनाएगा वाराणसी को, और अगर पूछ लें कि भाई जापान वाराणसी को किसके जैसा बनाएगा, तो ये क्योटो जैसा बनाएगा। जापान में एक शहर है क्योटो, आपने क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा। सिंगापुर बनाएगा अमरावती को, अमरावती जो है नई राजधानी है आंध्र प्रदेश की। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हैदराबाद राजधानी थी दोनों की, लेकिन फिर तेलंगाना अलग हो गया तो फिर आंध्र प्रदेश को अपनी अलग राजधानी चाहिए थी, तो आंध्र प्रदेश ने बना दिया अमरावती को अपनी अलग राजधानी, और इसको बनाएगा सिंगापुर स्मार्ट सिटी। चंडीगढ़ से अब डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है बैंकॉक। बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी है, और इसकी पहली फ्लाइट ऑलरेडी जा चुकी है, तो एयर इंडिया जो है ये चलाएगा इसको। डायरेक्ट चंडीगढ़ से फ्लाइट होगी थाईलैंड बैंकॉक में। तो इससे पहले याद रखिए, चंडीगढ़ में दो और अंतर्राष्ट्रीय लोकेशन है जहां पे डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, एक तो दुबई जाती है और एक शारजा जाती है। तो दुबई जो लेके जाती है वो इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट लेके जाती है, और शारजा लेके जाती है एयर इंडिया की, और जो अब बैंकॉक से कनेक्ट होगी वो भी होगी एयर इंडिया की फ्लाइट। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी बनेगा, तो उस दिशा में एक और कदम है। चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी कार्ड लॉन्च करेगी यहां की सरकार, और जो पंजाब के गवर्नर हैं जिनका नाम है वीपी सिंह बदनौर, हरियाणा के हैं कप्तान सिंह सोलंकी और पंजाब के हैं वीपी सिंह बदनौर, ये लॉन्च करेंगे चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी कार्ड। देखिए, जो 25 दिसंबर होता है ये क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस मनाते हैं हम त्यौहार ईसाई धर्म का, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी होता है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और इसीलिए हम इस दिन को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। इस उपलक्ष्य में लॉन्च होगा 25 दिसंबर को, आज से लगभग 8-9 दिन बाद, स्मार्ट सिटी कार्ड। अब ये स्मार्ट सिटी कार्ड जो है ये कौन से बैंक की मदद से लॉन्च कर रहा है चंडीगढ़, बैंक ऑफ इंडिया। और इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं आप, इससे आप पावर, वाटर बिल, टैक्स चालान, इलेक्ट्रॉनिक मंडी, रेंट कलेक्ट करना, शराब खरीदना इत्यादि, ये सब कामों के लिए आपको इसकी सहायता पड़ेगी। फ्यूल स्टेशन वगैरह पे इसको आप एक सरकारी आईडी प्रूफ की तरह भी इस्तेमाल इसका कर सकते हो। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक संपर्क केंद्र खोले जाएंगे जहां पे आप जाके बनवा सकते हो। 500 रुपये इसकी कीमत है, जिसमें से 150 रुपये नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको जो 150 रुपये हैं वो बिल्कुल वापस नहीं मिलेंगे। ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है इस कार्ड से, आप कितना इस कार्ड में कितना पैसा भर सकते हो, 50,000 रुपये आप इस कार्ड में भर सकते हो। जैसे आप मेट्रो में चढ़े होंगे, मेट्रो ट्रेन जो होती है, तो मेट्रो जो होती है उसमें भी आप एक कार्ड का इस्तेमाल करते हो, आप उसमें पैसा डलवा देते हो और वो कटता जाता है। इसी तरह से इस कार्ड में मैक्सिमम 50,000 रुपये आप डलवा सकते हो, और इसमें आप अगर OTP नहीं है तो 2,000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हो, वरना आपको OTP से पेमेंट करनी पड़ेगी, 50,000 तक की आप पेमेंट कर सकते हो। तो लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है, यानी OTP आपका सिक्योर बना देता है, आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आ जाता है, फिर आप उसको भर के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो OTP के बिना आप कर सकते हो 2,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, और OTP है तो 50,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इस कार्ड में मैक्सिमम 50,000 रुपये ही आ सकते हैं। चंडीगढ़ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, जिसको बोलते हैं NITTR, वो एक स्टूडेंट्स को एक खास तरह का एक्सपीरियंस दे रहा है। जो एमटेक कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमटेक या एमई की डिग्री ले रहे हैं, और जो PhD की डिग्री ले रहे हैं, अब वो जाके टेक महिंद्रा जो कंपनी है, IT कंपनी है, IT पार्क चंडीगढ़ में है ये टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की टेक्नोलॉजी कंपनी है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उनकी प्रयोगशाला, उनकी लेबोरेटरी में जाके बच्चे लाइव अब एक्सपीरियंस ले पाएंगे, लाइव एक्सपीरियंस लेंगे और सीखेंगे। चंडीगढ़ में एक हेरिटेज वॉक का उद्घाटन हुआ। देखिए, आप जानते हैं 2016 में 3 ऐसी इमारतें हैं भारत की जो जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया यूनेस्को ने। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है हमारी विश्व सांस्कृतिक धरोहर। तो भारत में है 36, पहले थी 35 पिछले साल तक, लेकिन इस साल अहमदाबाद शहर बन गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो भारत में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पिछले साल 3 बनी थी, उनमें चंडीगढ़ की जो सरकारी बिल्डिंग है जिसे बोलते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे ला कॉर्बूसिए ने बनाया था, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2016 के अंदर। तो हेरिटेज वॉक का आयोजन किया चंडीगढ़ में, इसको बनाया, इसका जो आयोजन किया वो किया इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने, जिसको बोलते हैं इनटेक, और ये वहां के कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन चंडीगढ़ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसका आयोजन किया गया। यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वो शाखा है जो देशों की संस्कृति और धरोहर बचाने में मदद करती है। तो यूनेस्को की भारत में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इटली में 53, दूसरे नंबर पर है चाइना में 52, भारत में है 36, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में जो फ्रांस की राजधानी है।
हरियाणा जो है वहां पे एक ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट बॉडी सेंटर बना है जो PGIMS कॉलेज है रोहतक में, वहां पे ये बनाया गया है और इसका एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ऑर्गन डोनेट करें। तो ये बस याद रख लीजिए कौन से हॉस्पिटल में ये है, हॉस्टल है, ये हॉस्पिटल है PGIMS रोहतक, इसको PGI चंडीगढ़ से कंफ्यूज मत करना। चंडीगढ़ का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने डिसाइड करा है कि चंडीगढ़ में दो ऐसी चीजें हैं जिनका विकास किया जाएगा, एक तो है क्लॉक टावर और दूसरा है लोधी फोर्ट। तो क्लॉक टावर क्या है, इसको घंटाघर बोलते हैं चंडीगढ़ में, 100 साल से ज्यादा पुराना है ये। 18 अक्टूबर 1906 को जो पंजाब के उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर चार्लिस मोंटोमेरी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था वहां के दीवान टेक चंद के साथ मिलकर। याद रखिए टेक चंद जो थे लुधियाना के डेप्यूटी कमिश्नर थे उस वक्त। तो क्लॉक टावर जो है इसका विकास किया जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चंडीगढ़ के। इसके अलावा जो लोधी का किला है ये बनाया था सिकंदर लोधी ने 15वीं शताब्दी में और लगभग 5.5 एकड़ जमीन पे है, बहुत ही खूबसूरत किला है। सतलुज नदी के किनारे था पहले, लेकिन अब सतलुज नदी जो है उसने अपना रास्ता बदल लिया है, तो अभी चंडीगढ़ के बिल्कुल जो जो जिसे कहते हैं थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वहां से जाता है चंडीगढ़ लुधियाना जो हाईवे है। तो लोधी फोर्ट का भी अब विकास किया जाएगा और इसके अलावा घंटाघर का भी किया जाएगा। चंडीगढ़ में एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। हम बिजली को कैसे बचा सकते हैं, एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है हर साल मनाते हैं भारत के अंदर 14 दिसंबर को। तो अभी जो 14 दिसंबर गया है कुछ दिन पहले, वहां पे चंडीगढ़ के अंदर भी मनाया गया एनर्जी कंजर्वेशन डे। चंडीगढ़ में एक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया और ये 5वीं बार था जो बच्चों के लिए, बच्चों का लिटरेचर फेस्टिवल है यहां पे। याद रखिए जो ऑथर है लवण्या कार्तिक, इन्होंने एक वर्कशॉप करी, इनकी किताब है निंजा नानी। तो ये है निंजा नानी, ये एक तरह का कार्टून जैसे हम बचपन में पढ़ते थे नागराज सुपर कमांडो ध्रुव वगैरह की कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, उसी तरह का काल्पनिक किरदार है कॉमिक्स का जिसका नाम है निंजा नानी। तो इसको बनाया है लवण्या कार्तिक ने, एक वर्कशॉप ली इसके ऊपर, 2 दिवसीय त्यौहार ये मनाया गया। स्वच्छ भारत की एम्बेसडर चंडीगढ़ ने कोई फिल्म स्टार नहीं बनाया, जो मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है एक 16 साल की बच्ची बनाई है, इसका नाम है तरनदीप कौर और ये वहां का जो YPS स्कूल है जिसको बोलते हैं यादविंदर पब्लिक स्कूल, उसकी पढ़ने वाली बच्ची है 16 साल की। अब इसे स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, बच्ची का नाम है तरनदीप कौर। एक जो स्ट्रॉ बर्निंग है बहुत बड़ी दिक्कत है जो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो जो खेतों का चूरा बच जाता है। देखिए दो सीजन होते हैं, एक होता है खारिफ सीजन, खारिफ सीजन मतलब जैसे हम चावल वगैरह उगाते हैं जिसमें समर सीजन जो होता है ये खत्म हो जाता है सितंबर में। तो अक्टूबर में क्या करते हैं किसान, नवंबर में के और अक्टूबर के कुछ हिस्से में जो बची हुई फसल है चावल वगैरह के, जो बची हुई चूरा बच जाता है, जो भूसा बच जाता है, उसे जला देते हैं। इस वजह से दिल्ली वगैरह में धुआं आता है और काफी पॉल्यूशन होता है। इसीलिए जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी एस्टन यूनिवर्सिटी एनर्जी हार्वेस्ट ग्रुप है, उन्होंने ये डिसाइड करा है कि जो राजपुरा थर्मल पावर प्लांट है वहां पे एक पैडी स्ट्रॉ पैलेट मेकिंग यूनिट बनाई जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो किसानों का चूरा बच जाता है उसे जलाइए मत, उसे सिकुड़ के ये पैलेट बना दिए जाते हैं और इनसे वॉल्यूम भी कम होता है काफी और इससे प्रदूषण भी नहीं होता और ये पैलेट फिर कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसमें मदद कर रहा है UK का एस्टन यूनिवर्सिटी और राजपुरा थर्मल पावर प्लांट में ये सुविधा दी गई है कि अब चूरे से जो भूसा है उससे जो स्ट्रॉ है उसे, खासकर चावल का जो है, क्योंकि किसान क्या करते हैं जब चावल उग जाता है तो नवंबर के महीने में वो उसका चूरा जला देते हैं और फिर गेहूं उगाते हैं वो विंटर सीजन के अंदर, जिसे राबी सीजन कहते हैं, क्योंकि जो वीट है वो राबी क्रॉप है। तो ये नवंबर के आसपास बो देते हैं उसे और मार्च में होली के आसपास उसे काट लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मिर्जापुर गांव में इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि 1 एकड़ चावल का जो खेत है उससे लगभग 2.5 टन चूरा होता है, स्ट्रॉ पैदा होता है। अब इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं और इससे इनका वॉल्यूम भी काफी कम हो जाएगा। और एक सुविधा और की गई है कि जो नभ पावर और एनर्जी हार्वेस्ट प्रोग्राम है, नभ पावर ये कंपनी है, ये भी इस तरह के प्रोग्राम चला रही है वहां के लगभग 10 गांव में चंडीगढ़ के आसपास, जिनमें जो पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रॉ है चावल का उसे भी पैलेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। गुरदासपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे विनोद खन्ना, मशहूर एक्टर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, उनकी डेथ हो गई। अब जो वहां पे चुनाव हुए जिन्हें बोलते हैं बाई इलेक्शन, तो वहां पे इस बार कांग्रेस जीत गई। वहां पे गुरदासपुर से MP बने हैं सुनील जाखड़, इन्होंने पंजाबी के अंदर अपनी शपथ ली। तो ये याद रखिए ये पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़।
अभी रिपब्लिक डे परेड होगा 26 जनवरी 2018 को, गणतंत्र दिवस का परेड होगा नई दिल्ली के अंदर, क्या उसमें चंडीगढ़ की झांकी निकलेगी इस बार? आंसर है नहीं, दूसरी बार लगातार चंडीगढ़ की झांकी नहीं निकलेगी। याद रखिए जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है वो 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां निकालती है, तो कईयों को मना कर दिया जाता है क्योंकि भारत में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, तो 36 हो गए, 36 में से 11 को मना कर दिया जाता है और 25 की सिर्फ निकलती है, तो इस बार भी चंडीगढ़ की झांकी नहीं निकलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो रिपब्लिक डे मनाया जाएगा इसमें इस बार आसियान कंट्री के जो हेड हैं, देखिए आसियान बोलते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो आसियान कंट्री के जो 10 हेड ऑफ स्टेट है, 10 कंट्री है आसियान, भारत डायलॉग पार्टनर है, भारत के 25 साल पूरे हो गए संबंधों के आसियान के साथ इसी साल 2017 में, इसराइल के साथ भी 25 साल हमारे पूरे हो गए हैं और कजाकिस्तान के साथ भी 25 साल पूरे हो गए हैं 2017 में, हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज है, राजनीतिक संबंध है। अब आसियान में जो 10 कंट्री हैं इनके जो हेड ऑफ स्टेट है, किसी देश में प्रेसिडेंट होता है किसी में प्राइम मिनिस्टर होता है, उन सबको हमने इनवाइट करा इस बार हमारी 26 जनवरी की परेड 2018 के अंदर। चंडीगढ़ जो है क्या वो बहुत सेफ है या सेफ नहीं है? तो चंडीगढ़ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये कहा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, 2016 की पूरी रिपोर्ट आई है, अभी अभी आई है, ये एक महीने पहले रिलीज हुई है। चंडीगढ़ भारत में 20वें नंबर पे है और क्राइम रेट में ये यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे है। तो चंडीगढ़ जो है याद रखिए भारत में यूनियन टेरिटरीज में नंबर वन है, किस तरह के क्राइम में, खासकर साइबर क्राइम में नंबर वन है, और ओवरऑल भी ये दिल्ली के बाद नंबर टू पे है, सेकंड हाईएस्ट है। दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा क्राइम है 77.5%, चंडीगढ़ में 26.7% वायलेंट क्राइम है। इसके अलावा चंडीगढ़ जो है पूरे भारत में सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिला दूं तो जो बूढ़े व्यक्तियों के खिलाफ क्राइम है उनमें नंबर वन है, साइबर क्राइम में यूनियन टेरिटरीज में नंबर वन है। तो ये कुछ डेटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ से नई दिल्ली ट्रेन चलती है जिसको बोलते हैं शताब्दी एक्सप्रेस, ये चंडीगढ़ से नई दिल्ली चलती है, लगभग 3 घंटे 10 मिनट का कुछ समय लेती है ये। अब इसमें स्वर्ण कोचेज ऐड किए जाएंगे, ये काफी ज्यादा अत्याधुनिक कोचेज हैं, इनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इनमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, वाईफाई मिलेगा आपको सब। तो स्वर्ण कोचेज ऐड किए जाएंगे चंडीगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी में, और एक ट्रेन को स्वर्ण कोचेज लगाने में 50 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल त्यौहार मनाया गया, December 7-9 लेक क्लब के अंदर मनाया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इसमें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, क्योंकि भारत का पहला है मिलिट्री लिटरेचर, यानी जो मिलिट्री के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक साहित्य का फेस्टिवल है। इसमें किस किस ने भाग लिया, परमवीर चक्र जीत चुके कैप्टन बाना सिंह, नायब सूबेदार संजय कुमार और सूबेदार योगेंद्र यादव, इन्होंने इसमें भाग लिया। कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र जीत चुके हैं और इन्होंने जो सियाचिन में पाकिस्तान को हराया था उसमें इनका काफी बड़ा योगदान था। जो कायद पोस्ट है, अब इसका नाम बाना पोस्ट रख दिया इनके नाम पे, 26 जून 1987 को इन्होंने पाकिस्तानियों को सियाचिन से भगा दिया था। इसके अलावा नायब सूबेदार संजय कुमार और सूबेदार यादव योगेंद्र यादव ने भी इसमें हिस्सा लिया, कारगिल युद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान था। चंडीगढ़ ने RTI फाइल करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है RTIonline.gov.in, इस पे चंडीगढ़ ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है। याद रखिए चंडीगढ़ भारत का पहला शहर या जो बोलते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी सब मिला के पहला है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो RTI ऑनलाइन पोर्टल है RTIonline.gov.in उस पे अपने आप को रजिस्टर कर दिया है। तो अगर आप चंडीगढ़ के हैं और वहां पे RTI फाइल करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। चंडीगढ़ में एक कला उत्सव का त्यौहार मनाया गया धूमधाम से, और ये कला उत्सव का जो त्यौहार था ये वहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल Sector 10A में मनाया गया, और इसका उद्घाटन करा चंडीगढ़ के एजुकेशन सेक्रेटरी बंसीलाल शर्मा ने, और ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मनाया गया जिसका काम यह है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो विविधता है, उसका प्रदर्शन किया जाए। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ में टाटा प्रोजेक्ट को बनाने से मना कर दिया है। जो टाटा है, टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा था चंडीगढ़ में, बहुत महंगा प्रोजेक्ट था ये, लगभग 1275 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, सुखना लेक के पास था, प्रॉब्लम ये थी, और सुखना लेक जो है 57% खत्म हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए सुखना लेक पे और उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सुखना लेक के पास तो डेफिनेटली वहां पे घर बनेंगे तो उससे वहां पोल्यूशन होगा और काफी चीजें होंगी, मैं
वो कंफ्लिक्ट होगा हर तरह का, तो इसलिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, अब टाटा ये प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। एक ट्रेन चलती है गोवा से शिरडी, अब चंडीगढ़ में भी रुकेगी, ये डिसीजन लिया है आईआरसीटीसी ने, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बोलते हैं। 800 सीटर ट्रेन चलती है गोवा से शिरडी यात्रा तक चलती है, अब ये चंडीगढ़ में भी रुका करेगी। चंडीगढ़ का जो पीजीआई हॉस्पिटल है, जो बहुत फेमस है पीजीआई चंडीगढ़, वहां पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब हुआ करेगी। चंडीगढ़ में ऑलरेडी 2-3 हॉस्पिटल है जहां पे होती है, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जीएमसी सेक्टर 32 में है, और गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में है, दोनों में ऑलरेडी बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है इस साल, और अब पीजीआई चंडीगढ़ में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ करेगी। चंडीगढ़ के जो शूटर हैं अर्जुन बबूता, इन्होंने एशियन एयरगन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिए, ये जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप है ये अभी अभी खत्म हुई है वाको जापान में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जापान में अगले ओलंपिक खेल होंगे 2020 में, जापान की राजधानी है टोक्यो, टोक्यो में होंगे 2020 के ओलंपिक खेल, और अब इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते टोटल, 21, 6 जीते गोल्ड मेडल, 8 जीते सिल्वर मेडल, और बचे कितने, 8 और 6 14, तो 7 बच गए, 7 जीते ब्रॉन्ज मेडल, यानी 6 स्वर्ण 8 रजत 7 कांस्य पदक जीते भारत ने इसमें। और चंडीगढ़ का शूटर है अर्जुन बबूता, इसने जीत लिया सिल्वर मेडल, और इसने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता है। एक कंपनी है जुगनू, जैसे आपने ओला और उबर सुनी होगी, ओला कंपनी के सीईओ हैं भावीश अग्रवाल, उबर के हैं दारा खुसरोशाही। याद रखिए, ओला और उबर से आप क्या मंगा सकते हो, टैक्सी, ठीक है, लेकिन जुगनू कंपनी से आप क्या मंगा सकते हो, ऑटो। तो अगर आप ऑटो करना चाहते हैं कहीं से कहीं जाने के लिए, तो आप जुगनू कंपनी से मंगवा सकते हो। ये एक ऑटो एग्रीगेटर कंपनी है, ठीक उसी तरह जिस तरह ओला और उबर जो है ये टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियां हैं, और जुगनू ने अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं चंडीगढ़ में भी, तो अब आप यहां पे भी ऑटो मंगा सकते हो जुगनू का ऐप यूज करके। कैनेडा जो है इनका इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर है, जो बहुत सारी भाषाएं सिखाते हैं, आप अगर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेजी कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं तो कनाडा के इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर पे जाके सीख सकते हैं। इन्होंने अब चंडीगढ़ में अपनी ब्रांच खोली है, तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर कनाडा ने अपनी ब्रांच खोली है चंडीगढ़ में, सेक्टर 8 चंडीगढ़ में। पीजीआई जो है चंडीगढ़ हॉस्पिटल जो है पीजीआई चंडीगढ़, वो अब अपना खुद का ड्रग स्टोर बनाएगा। प्रॉब्लम होती है जो मिडल मैन होते हैं वो दवाइयां महंगी कर देते हैं हॉस्पिटल में, तो इससे जो गरीब पेशेंट उनका नुकसान होता है, इसलिए चंडीगढ़ ने ये डिसाइड करा है कि वो अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर बनाएंगे। 15 करोड़ रुपए की लागत से वहां के एडवांस ट्रॉमा सेंटर में बनेगा 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर। यहां पे मार्केट से 50-80% दवाइयां सस्ती मिलेंगी। चंडीगढ़ में जो एयर पोल्यूशन ना हो, हवा प्रदूषण ना हो, एयर क्वालिटी को मेजर किया जाएगा, इसके लिए चंडीगढ़ में 3 ऑटोमेटेड स्टेशन बने हैं जो 24/7 डे एंड नाइट आपको बताएंगे चंडीगढ़ की हवा की क्वालिटी कैसी है। कहां कहां पे लगे हैं, एक लगा है सेक्टर 26 में, एक 50 में, और एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। चंडीगढ़ में एक स्टडी हुई है अभी अभी, पीजीआई चंडीगढ़ ने करवाई है और गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह ने सर्वे कराया है, एक पूरा डिटेल सर्वे, उसमें ये बताया गया है कि चंडीगढ़ में 20% ऐसे डिसेबल्ड लोग हैं, यानी जो विकलांग हैं, जो सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं ले पाते किसी भी कारण से, और इनके कई कारण हैं, क्योंकि इनके पास जो अपंगता है उसका सर्टिफिकेट नहीं होता, यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है अगर आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है, सरकारी किसी भी स्कीम का फायदा लेना है, चाहे आप सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो। तो 20% चंडीगढ़ के विकलांग किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं ले पाते, और ये सर्वे हुआ इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो मनाते हैं, ये 3 दिसंबर को संडे को मनाया गया था, इस उपलक्ष्य में ये कराया गया। चंडीगढ़ से दिल्ली चलती है शताब्दी एक्सप्रेस, मैंने आपको बताया था इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये 245 किलोमीटर चलती है लगभग जो चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में, इसकी जो स्पीड है अब बढ़ाई जाएगी शताब्दी एक्सप्रेस की, और इसे कौन बढ़ाएगा, फ्रांस। इसमें 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और स्पीड इसकी 200 किलोमीटर प्रति आवर तक की जाएगी। अभी ये लेती है लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे लेती है, और इसकी शताब्दी की स्पीड है सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड अब डबल हो जाएगी, लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो 3 घंटे 30 मिनट की बजाय 3.5 घंटे की बजाय सिर्फ 2 घंटे 2 मिनट का टाइम लेगी। और याद रखिए, बीच में सिर्फ 2 जगह रुकेगी, एक पानीपत और दूसरा अंबाला। चंडीगढ़ में कितना पानी वेस्टेज होता है, चंडीगढ़ का जो ग्राउंड वाटर है 25% वेस्ट हो जाता है अंडरग्राउंड लीकेज में, तो ये चंडीगढ़ में पानी की वैसे ही किल्लत काफी ज्यादा है।
चंडीगढ़ में पानी की वैसे ही किल्लत काफी ज्यादा है और 25% पानी अंडरग्राउंड लीकेज की वजह से चंडीगढ़ में वेस्ट हो जाता है, तो इसके लिए सरकार अब कदम उठाएगी, ये फ्रांस ने बताया है चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ में एक त्योहार, एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है हेमंतोत्सव। हेमंतोत्सव इसमें काफी बड़े बड़े कलाकार आए, इसका ऑर्गेनाइज करा इसको प्राचीन कला केंद्र ने। यहाँ पे सितार वादक आए, डॉक्टर सुब्रत दे, भरतनाट्यम जो करती हैं वीना, मिस वीना सीएस, वो आई। टैगोर थिएटर में ये मनाया गया। ये मनाया गया जब विंटर स्टार्ट होते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और दो लोग याद रखिए, एक तो है डॉक्टर सुब्रता दे, ये बिष्णुपुर घराने के हैं, और दूसरी हैं वीना सीएस जो भरतनाट्यम डांसर है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का डांस है। चंडीगढ़ कार्निवाल, ये एक और त्यौहार मनाया गया 24 नवंबर 2017 से 26 नवंबर 2017 तक। इसका उद्घाटन करा वीपी सिंह बदनौर ने, जो गवर्नर है पंजाब के, और साथ में चंडीगढ़ की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी किरण खेर, सांसद है ये किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी है ये। और ये यहाँ पे इस बारे में भी चर्चा हुई कि किस तरह से हम ट्रांसजेंडर जो हैं उनको उनका विकास कर सकते हैं, जो खुसरा समाज है या हिजड़ा समाज बोलते हैं जिन्हें, ट्रांसजेंडर बोलते हैं जिन्हें सम्मान पूर्वक, उनका हम कैसे, ये एलजीबीटी के अंदर आते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इनका हम कैसे विकास कर सकते हैं, इनको समाज में मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। और पहली बार है चंडीगढ़ में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है इनके विकास के लिए। और इसका थीम क्या था चंडीगढ़ कार्निवाल का, इसका थीम था इंद्रधनुष, कलर योर लाइफ लाइक अ रेनबो, यानी अपने जीवन को इंद्रधनुष की तरह रंगमय कर दो। चंडीगढ़ में एक ऐप है जो लॉन्च हुई है जिसका नाम है स्वच्छता ऐप। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने चंडीगढ़ में भी लॉन्च करा है। अब अगर आप इसमें फोन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर आप स्वच्छ भारत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और कैसे शहर को साफ रखना है उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। चंडीगढ़ में जो सुखना लेक है उसको वेटलैंड का दर्जा दे दिया जाएगा। वेटलैंड का दर्जा जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के ऊपर उसके हिसाब से हम इसे करते हैं। अब इसमें ये होगा, अगर इसको वेटलैंड का दर्जा दे दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, आसपास घर नहीं बना सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो सुखना लेक जो है इसको बचाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। इसमें आप सुखना लेक में किसी तरह का कोई सीवेज वगैरह नहीं डाल सकते, कोई गंदा पानी मिक्स नहीं कर सकते, आप इसमें कोई वेस्टेज नहीं डाल सकते, कूड़ा नहीं फेंक सकते। तो ये सब कुछ कदम उठाए जाएंगे इसको वेटलैंड का दर्जा देने से, इसका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, इसका संरक्षण हो पाएगा। चंडीगढ़ में एक स्मार्ट पार्किंग ऐप बनाई है, इसका नाम है आर्या स्मार्ट पार्किंग ऐप। चंडीगढ़ में अगर आप कहीं गाड़ियों की पार्किंग करना चाहते हैं, इसको जो वीपी सिंह बदनौर है इन्होंने इसको लॉन्च करा है। ये स्मार्ट पार्किंग ऐप है, इसमें चंडीगढ़ में 60 पार्किंग के स्थान है जो इस ऐप के ऊपर है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे रियल टाइम में कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे पार्क्ड हैं, कितनी स्पेस अवेलेबल है, उसी हिसाब से आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेडियो, इसको पावर करेगा रेडियो इंडिगो नाम का कंपनी। ये एक रेडियो इंडिगो जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन है, और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेडियो जो लॉन्च हुआ है इसको ये पावर करेगा, इसको लॉन्च करेगा। तो बस आपको इतना याद रखना है। चंडीगढ़ की पहली एसएसपी महिला बन गई है, मतलब पहली महिला है चंडीगढ़ की जो एसएसपी बन गई है। एसएसपी बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो इनका नाम है जगदाले निलंबरी विजय, ये बन गई है पहली महिला जिन्होंने कार्यभार संभाला एज एसएसपी ऑफ चंडीगढ़। ये 2008 बैच की है, पंजाब कैडर की आईपीएस ऑफिसर है। चंडीगढ़ क्राफ्ट मेला 2 नवंबर को स्टार्ट हो गया, 2 नवंबर से शुरू हुआ। अगेन इसका उद्घाटन करा वीपी सिंह बदनौर ने, और ये नोवा चंडीगढ़ नेशनल क्राफ्ट मेला था, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़ नेशनल क्राफ्ट मेला। इस बार इसका थीम क्या था, इसका थीम था दादरा और नगर हवेली, यानी दादरा और नगर हवेली जो है ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में यहां पे डिजाइन वगैरह किया गया, यानी ये थीम था इस त्योहार का। चंडीगढ़ ने अपना पहला ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया, जैसे मैंने बताया आपको, ट्रांसजेंडर के विकास के लिए। इसमें 14 मेंबर हैं। और क्या चंडीगढ़ भारत का पहला है? जी नहीं, चंडीगढ़ से पहले भारत के 4 राज्य हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश। यानी चंडीगढ़ कौन सा बन गया? 5वां। चंडीगढ़ में हवाई सेवा स्टार्ट होगी। अगर आप चंडीगढ़ से शिमला जाना चाहते हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ से शिमला जाना चाहते हैं तो पवन हंस नाम की कंपनी आपको हेलीकॉप्टर से ले जाएगी। तो चंडीगढ़ से शिमला आप पहुंच सकते हैं सिर्फ 25 मिनट में हेलीकॉप्टर से। इसमें आपको 2600 रुपए देने पड़ेंगे। चंडीगढ़ की जो मेयर है आशा जसवाल, उन्होंने एक नया कैंपेन स्टार्ट करा है
देखिए चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, लगभग 1000 से ज्यादा पेड़ हैं जिन्हें दीमक लग गया है, जिनपे टर्माइट बोलते हैं इसे, तो टर्माइट ने उन पेड़ों को खत्म कर दिया है। इसीलिए इन पेड़ों को बचाने के लिए वहां पे अब दवाइयां लगाई जाएंगी और जो पेड़ पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं उन्हें वहां पे उखाड़ दिया जाएगा, जिससे वो दूसरे ट्रीज को प्रभावित ना करें, क्योंकि जो दीमक है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे फैल सकती है। तो जो दवाई लगाई जाएगी उस दवाई का नाम है क्लोरपाइरीफॉस, क्लोरपाइरीफॉस। चंडीगढ़ में जो लोग मरते हैं कैंसर से, तो उसमें किस तरह का कैंसर जनरली ज्यादा होता है? एक तो होता है फेफड़ों का और दूसरा होता है स्तन का कैंसर, यानी लंग और ब्रेस्ट कैंसर, ये चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा होते हैं। ये रिपोर्ट दी है अभी अभी PBCR की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से। अब चंडीगढ़ में क्या रिस्क क्या है? चंडीगढ़ में 1 in 8 है रिस्क मैन में कैंसर का, और जो वुमेन है उनमें है 1 in 7, 1 in 7 रिस्क है कैंसर का, और डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर का रिस्क है 1 in 14 मैन का और 1 in 17 महिलाओं का। तो ये है रिस्क का रेशियो। और जो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा है, नेशनल एवरेज है हमारा 22, चंडीगढ़ में है 35, यानी नेशनल एवरेज से ज्यादा है। और ये तो फीमेल की बात हो रही है ब्रेस्ट कैंसर, मैन में सबसे ज्यादा लंग कैंसर चलता है, फिर प्रोस्टेट कैंसर है। तो ये दोनों है सबसे ज्यादा जो यहाँ पे, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के पास सबसे ज्यादा है सर्विक्स यूट्राई कैंसर। मिल्खा सिंह ये धावक थे, इन्हें फ्लाइंग सिख बोलते थे, मिल्खा सिंह जो ओलंपिक हुए थे 1960 के, उनमें ये पदक चूक गए थे, चौथे नंबर पे फिनिश किया था 100 मीटर की रेस में। तो मिल्खा सिंह जो है, इनके बेटे जो है जीव मिल्खा सिंह, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। तो मिल्खा सिंह का वैक्स का स्टैचू बनाया चंडीगढ़ में, ये दिखाया गया सबको, और फाइनली ये दिल्ली के मैडम टुसाउड म्यूजियम में रखा जाएगा। कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच में फ्लाइट चलनी स्टार्ट हो गई है, याद रखिए कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच में, कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश में, तो यहां से, और इस फ्लाइट को कौन चलाएगा? एयर इंडिया, और एयर इंडिया की जो डोमेस्टिक आम है उसे बोलते हैं अलायंस एयर। इसके अलावा ऊबर ईट भी स्टार्ट हो गया चंडीगढ़ में, ऊबर ईट आप यहां पे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो, मोबाइल ऐप है ऊबर ईट, ऊबर का ऐप है, ऊबर के सीईओ है तारा खुसरो शाही, अब चंडीगढ़ में भी ये स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा लखनऊ और चंडीगढ़ दिल्ली से डायरेक्ट तेजस एक्सप्रेस ट्रेन चला करेगी, काफी हाईटेक ट्रेन है, काफी लग्जरी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, तो दिल्ली से चलेगी चंडीगढ़ डायरेक्ट, याद रखिए। और ये जर्नी जो है ये 4 घंटे में पूरी की जाएगी तेजस एक्सप्रेस द्वारा। चंडीगढ़ में मेडिसिटी भी बनेगा, मेडिसिटी देखिए जो मोहाली है उसमें ऑलरेडी नॉलेज सिटी बन चुका है, जो मोहाली है वहां पे नॉलेज सिटी बन चुका है, जहां पे बहुत सारे कॉलेज हैं, खुले हैं नए, प्राइवेट कॉलेज खुले हैं। अब बनेगा चंडीगढ़ में मेडिसिटी, मेडिसिटी में 18 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इसमें एक खास तरह का हॉस्पिटल है 50 एकड़ में खोला जाएगा, जिसका नाम होगा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर। ये 2 साल के अंदर बनके पूरा हो जाएगा। होमी भाभा जो थे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफी बड़े साइंटिस्ट थे। चंडीगढ़ में फिलीपींस से लोग आए, वहां के जो नेता वगैरह आए चंडीगढ़ में, जो जिसे बोलते हैं डेलीगेशन आया फिलीपींस का, फिलीपींस अपना टूरिज्म, अपना पर्यटन बढ़ाने के लिए भारत आया। भारत के पर्यटन मंत्री हैं केजे अल्फोंस, केरल के हैं वैसे तो, पर राज्यसभा में अभी अभी इलेक्ट हुए हैं राजस्थान से। तो फिलीपींस ने एक प्रदर्शनी करी जिसका नाम है फिल इंडेक्स 2017, एक रोड शो भी करा विमानता बाई ताज, जो चंडीगढ़ होटल है वहां पे फिल इंडेक्स 2017, फिलीपींस के लोग आए चंडीगढ़ में फिलीपींस का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। एक 3 दिवसीय ग्लोबल मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई चंडीगढ़ के अंदर, ये CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ के अंदर वहां पे हुई, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था इमटेककॉन 2017। चंडीगढ़ में जो पूरे भारत से कवित्री जिन्हें बोलते हैं, जो महिलाएं जो पोएम्स लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, उनकी भी एक सम्मेलन हुआ, उनका कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका नाम है ऑल इंडिया पोएटस कॉन्फ्रेंस। ये 17वां ऑल इंडिया पोएटस कॉन्फ्रेंस था, जो पंजाब आर्ट काउंसिल के कैंपस में हुआ चंडीगढ़ के अंदर। इसमें लगभग 14-15 देशों से जो कवित्री हैं वो आई, और इसका उद्घाटन करा पंजाब के जो कल्चर और टूरिज्म के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने। चंडीगढ़ जो है वो बैडमिंटन लीग जीत गया, और उत्तराखंड रहा दूसरे नंबर पे। मैं बात कर रहा हूं जम्मू मास्टर्स बैडमिंटन लीग, जिसे ऑर्गेनाइज करा था क्लोबर एंड किंग्स बैडमिंटन क्लब ने। चंडीगढ़ में आप जानते हैं एक इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है, जहां पूरे दुनिया से जो डॉल है वो रखी जाती है, जो खिलौने होते हैं डॉल्स वो रखे जाते हैं। अब फिलीपींस आप जानते हैं चंडीगढ़ में आया था अपना टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, तो फिलीपींस ने भी 3 डॉल इसको गिफ्ट करी है।
ये तीन डॉलर रखी जाएंगी चंडीगढ़ में फिलीपींस से। इससे पहले वियतनाम और तुर्की देशों ने भी वहां पे डॉल अपनी इसी साल चंडीगढ़ को दी है। लोकसभा ने एक बिल पास कराया अभी अभी, अब चंडीगढ़ की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलेगी, इससे उनकी 17 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। तो ये जो वाजिब एंटरटेनमेंट टैक्स है चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगाने का हक दिया पंजाब की विधानसभा में, ये बिल पास हो गया है। डॉक्टर कृपाल चुग बहुत बड़े डॉक्टर थे किडनी के, बहुत ही बड़े, मतलब भारत में जो किडनी सुपर स्पेशलिटी बनाया था नेफ्रोलॉजी को इन्होंने ही बनाया था, इनका निधन हो गया। पीजीआई चंडीगढ़ जो हॉस्पिटल है वहां पे ये जो किडनी वाला डिपार्टमेंट है उसके हेड भी थे, तो इनको कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। और बहुत ही, इनको बोलते हैं फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में जो किडनी की जो साइंस होती है उसके भारत में जनक थे ये, पिता थे। चंडीगढ़ में सीआईआई चंडीगढ़ त्यौहार मनाया गया, ये 22वें बार मनाया गया, 22वां अध्याय था, 13 अक्टूबर को मनाया गया। सीआईआई बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को। इसके अलावा श्रीलंका से टीम आई चंडीगढ़, किस लिए आई, ये यहाँ पे एक विशेष तरह की स्टडी करने आई, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, उनको उन्होंने विजिट करा चंडीगढ़ के अंदर। ये बेसिकली आपस में चंडीगढ़ में काम कैसे होता है, चंडीगढ़ में सरकार कैसे चलती है, चंडीगढ़ में कौन कौन सी स्कीम चलाई हुई है, इस तरह की जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है उसके लिए श्रीलंका से यहाँ पे टीम आई। चंडीगढ़ के अंदर टेक्नो मीडिया का 20वां स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, एल्ट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने चंडीगढ़ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इसे किया। चंडीगढ़ में मैंने आपको बताया था ऊबर ईट स्टार्ट हो गया है। ऊबर ईट क्या है, आप ये फूड ऑर्डर कर सकते हो इनकी ऐप से। चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी भी स्टार्ट कर दी है ऊबर ने, टैक्सी जरूरी नहीं है सिर्फ कार हो, बाइक भी हो सकती है, तो ये भी स्टार्ट हो गई है चंडीगढ़ के अंदर। इसके अलावा ऊबर पुल भी स्टार्ट हो गया है चंडीगढ़, जयपुर और अहमदाबाद में, तो चंडीगढ़ में हो गया है ऊबर पुल, ये कार पुलिंग सर्विस है, ये स्टार्ट हो गई है। चंडीगढ़ में एक त्यौहार मनाया गया जिसका नाम है ग्रब त्यौहार, ग्रब फेस्ट, ये सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में मनाया गया, और ये फूड फेस्ट है, यानी जो खाने का फेस्ट है, अलग अलग तरह के व्यंजन पूरे भारत से यहाँ पे लाए जाते हैं। सुकना जो लेक है चंडीगढ़ का वो 57% खत्म हो गया है, ये बहुत एक बैड न्यूज़ है, अलग अलग कारण है इसके, ये ड्राई हो गया है, पानी भी इसमें कम है, और इसका जो जो वीड होते हैं, वीड क्या होते हैं, खरपतवार उग जाती है, उस वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है पानी की क्वालिटी पे, पानी पक्षी अब नहीं आते हैं यहाँ पे, पक्षी कम आते हैं, पक्षियों का नंबर कम हो रहा है, जो पक्षी विचरण करके दूसरे देशों से भी आते थे अब नहीं आते हैं यहाँ पे, तो सुखना लेक को वेटलैंड का दर्जा दिया जाएगा बचाने के लिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और हो गई है, जो सुखना लेक है उस पर 200 से ज्यादा चेक डैम बने हुए हैं, जो ऊपर से पानी आता था वो सुखना लेक में नहीं आ रहा है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से जो पानी आता था, क्योंकि इतने सारे डैम बन गए तो पानी डैम्स में स्टोर हो जाता है और नदियों में नहीं होता, छोटी छोटी जो नदियां हैं वो उससे कनेक्ट होती थी उससे भी नहीं होता है। और पानी लाने के लिए सरकार ने 5 बड़े बड़े जो ट्यूबवेल हैं वो लगाए हैं, जिससे ट्यूबवेल के थ्रू सुखना लेक में पानी जा सके, तो अब देखना होगा काम कैसे करते हैं ये। चंडीगढ़ में मीजल और रुबेला से निपटने के लिए टीकाकरण किया गया, मीजल और रुबेला ये दो डिजीज होते हैं, ये त्वचा के रोग होते हैं मीजल और रुबेला, और इसके लिए एक पहले वैक्सीन भी होती थी MMR वैक्सीन, एम से एक और डिजीज होता है जिसे बोलते हैं मम्प्स, तो मम्प मीजल और रुबेला की पहले एक वैक्सीन चलती थी। भारत ने मलेरिया को खत्म करने का टारगेट रखा है 2027, भारत ने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का टारगेट रखा है 2025, और भारत ने HIV एड्स को खत्म करने का टारगेट रखा है 2030। चंडीगढ़ में एक जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा, ये भारत के 45वें चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने उद्घाटन करा LAE का। LAE क्या होता है, लीगल असिस्टेंस एस्टेब्लिशमेंट, लीगल असिस्टेंस एस्टेब्लिशमेंट, इसके कई नाम रखे हैं जैसे कानूनी सारथी, न्याय सहयोग केंद्र, न्याय सहयोग। 9 जुलाई को इन्होंने ये इसका उद्घाटन किया था, और इसका ये जो नई बिल्डिंग भी बनी है एक लीगल सर्विस अथॉरिटी की पंजाब में मोहाली के अंदर बनी है, और इस उपलक्ष में एक गाना भी इन्होंने लॉन्च करा NLSA में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जिसका नाम है अकेले नहीं है आप, ये गाने का नाम है। जो गरीब लोग वगैरह हैं वो वकीलों की सहायता ले सकते हैं, लीगल एड ले सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कैदी हैं जेल में वो अपने वकील से बात कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च की गई जिसका नाम है 1516। चंडीगढ़ जो है वो सौर ऊर्जा में अपना स्थान बनाना चाहता है, तो चंडीगढ़ ने ये मॉडल प्रपोज करा है कि वहां पे चंडीगढ़ में वो बिल्डिंग, वो सरकारी बिल्डिंग या जो प्राइवेट बिल्डिंग है जो 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, वो रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सकती हैं, अपने घर में रूफ टॉप प्लांट लगा सकती हैं घर के ऊपर, छत के ऊपर, बशर्ते उनमें 30 किलोवाट का लोड एटलीस्ट होना चाहिए। और इसमें चंडीगढ़ सपोर्ट कैसे करेगा,
जो आर्थिक सहायता है 9.5 करोड़ रुपए की, वो चंडीगढ़ को मॉडल सोलर सिटी बनाने में खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 30% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए। सरकार है जो चंडीगढ़ की, उन्होंने टारगेट रखा है 10 मेगावाट का सौर ऊर्जा का। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसने अंतर्राष्ट्रीय साइकोलॉजिकल साइंस कांग्रेस होस्ट किया और इसका थीम था साइकोलॉजिकल वेलबींग रिफ्लेक्शन अक्रॉस द कल्चर। ये था वीडियो करंट अफेयर का चंडीगढ़ के। 45 मिनट में पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे 2-3 सवाल का जवाब दीजिए। पहला तो ये कि चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि चंडीगढ़ में जो मिलिट्री फेस्टिवल हुआ है उसमें परमवीर चक्र कौन से विजेता है जो आए थे। तीसरा सवाल ये बताइए कि चंडीगढ़ बसाने वाले कौन से आर्किटेक्ट की डेथ को 50 साल हो गए अभी 4 दिसंबर 2017 को, तो इनका जवाब दीजिए। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। इसके अलावा जितना हो सके वीडियो शेयर करिए, चंडीगढ़ के लिए स्पेशल एफर्ट करके मैंने वीडियो बनाया है और हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है स्टडी आईक्यू को। ये वीडियो बहुत हाई क्वालिटी हम वीडियो लाते हैं आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम लाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। और स्टडी आईक्यू को भारत की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी अभी बेस्ट एजुकेशन चैनल ऑफ द कंट्री का अवार्ड भी दिया है, तो ये सब आपके सहयोग से हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।